जहानाबाद जिले के इक्किल खेल मैदान में एक दिवसीय महिला फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड की टीम एवं बिहार की टीम ने शिरकत किया। आपको बताते चलें कि झारखंड की टीम पर बिहार की टीम ने 2 गोल से जीत दर्ज किया है। इस मौके पर इक्किल खेल मैदान में बड़ी संख्या में लोग बैठे हुए थे और सभी ने खेल का आनंद लिया। लोगों ने कहा कि बिहार की महिलाएं जिस भी क्षेत्र में कदम रखती है वहां जय होती है। प्रशंसकों ने तारीफ करते हुए कहा कि महिलाओं में प्रतिभा और क्षमता दोनों है। शक्ति और आत्मविश्वास के साथ हमारी महिलाएं आगे बढ़ रही है। देखिए महिला फुटबॉल टूर्नामेंट की एक झलक। बहुत ही सुंदर निकला, देखना कहाँ तक है। फोन डर गए उनके साथ खिलाड़ी, लेकिन चूके ऐसे मौके पर तालियां बजनी चाहिए तब खेल में। नंबर 2 खिलाड़ी रोहित कुमार बिहार की ओर से काफी फिर से और काफी तेज, किसी से कम नहीं खिलाड़ी के लिए। लेकिन इससे पहले भी कुछ बार गेंद बिहार के कब्जे में और धीरे धीरे खतरे के बाद टलते हुए काटा है और धीरे धीरे दोनों ही टीम के खिलाड़ी छक्के छक्के से दिख रहे हैं। बस मध्यांतर तक के इंतजार होगा कब समाप्त हो और अपना कर्तव्य दिखाएंगे। खेलो खेलो खेलो, गुड गुड गुड, खेलो खेलो, बॉल छोड़ो बॉल छोड़ो बॉल छोड़ो बॉल छोड़ो। और फिर हमारा सहयोग कितना सार्थक है। जा जा, नहीं हुआ नहीं हुआ, कवर कर कवर कर, जा जा लेके जा लेके जा लेके, गुड बॉल। आज आपके द्वारा एक दिवसीय फुटबॉल मैच का आयोजन कराया गया, क्या लगता है किस तरीके की प्रदर्शन थी छात्राओं के द्वारा या खिलाड़ियों के द्वारा? बहुत, दोनों टीम बहुत संघर्षशील थी और बहुत मजबूती के साथ दोनों टीम कांटे की लड़ाई लड़ी। एक तरफ झांसी की रानी, एक तरफ लक्ष्मीबाई का लड़ाई चल रहा था। जीत हार तो किसी न किसी एक टीम का ही होना था। बिहार टीम 2-0 से बढ़ गई, बढ़त बना ली। झारखंड टीम जीत नहीं पाई, 2 नंबर पर झारखंड टीम रही। लेकिन मैं दोनों टीम को अपने तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और खास करके यंग एथलेटिक क्लब इक्किल को मैं
बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ऐसा आयोजन करने से संस्कृति का विकास होता है, एक सामाजिकता सामाजिक समरसता का विकास होता है, एक होना चाहिए। और यहाँ बहुत अच्छा फील्ड भी है, मैदान भी है, और ये आयोजक लोग बहुत अच्छा कार्यक्रम कराते हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। सर, आज के डेट में खेल से लोगों की जो है रुचि कमते जा रहा है, ऐसे में आपका यह जो है कदम कि लोगों को मदद करें, सहयोग करें और खेल का आयोजन कराएं, इससे क्या लगता है कि रुचि देहाती इलाके में आ पाएगा? खेल तो ऐसा चीज है, खेल से शरीर का रक्त का संचार होता है, शरीर का विकार बाहर आता है, सामाजिक समरसता बनता है। खेल में कोई जाति नहीं होता है, कोई धर्मवाद नहीं होता है, कोई वंशवाद नहीं होता है। खेल एक सामाजिक समरसता का पहचान है, इसको बढ़ाना चाहिए, लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिए। चाहे जिस तरह का खेल हो, या क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, किसी तरह का भी खेल का प्रोत्साहन करना चाहिए। आज जो हमारे छोटे छोटे बच्चे बच्चियां संस्कृति से सभ्यता से भटक रही हैं, अगर खेल में रुचि बढ़ाएंगे, खेल का प्रोत्साहन होगा, तो लोग लगनशील होगी, कहीं न कहीं खेल से रक्त का संचार होगा, शरीर का विकार निकलेगा, अच्छे चीज का परिवेश उनके शरीर में होगा। आज जो दर्शक आए हुए थे उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? दर्शक हौसला अफजाई कर रहे थे, करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं लोगों को, और खास करके इस इक्कील की महान धरती को तो मैं नमन करता हूँ कि जो ऐसा कार्यक्रम लोगों ने हर साल हर बार, अभी संडे से फिर लोग का, अभी लड़की का था, लड़का का शुरू हो रहा है, अच्छा है, एक माहौल बनता है, दूर दराज से भी लोग आ रहे हैं, हर जगह संदेश जा रहा है इस गांव का, यहाँ का अनुशासन जिस तरह से अनुशासित होकर यहाँ के सारे लोग कार्यक्रम को देखा, मैच को देखा, खिलाड़ियों के प्रदर्शन को देखा, बहुत शोभनीय विषय है। आज आप एक दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट में थे, क्या लगा, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा महसूस हुआ, और लगा कि लड़कियां जो हैं, खासकर ग्रामीण बेटियां जो हैं, उनके शरीर में काफ़ी एनर्जी है और वो बहुत अच्छे से खेलती हैं। उनको अगर मौका मिले तो वो शहरों की लड़कियों से ज़्यादा अच्छा खेल सकती हैं, उनको बस मौका मिलने की ज़रूरत है। और जो लोग इनमें इन्वॉल्व थे, जो आयोजन करता थे या जो इनको सिखाते हैं, वो लोग भी काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग इन लोगों को दिए हुए थे। और ये जो समाज की सोच है कि लड़कियों को कम वैल्यू दिया जाता है, ये बहुत पहले ऐसी बात थी, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। अब सभी अभिभावक बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं, खासकर जो अभी हमारी सरकार चल रही है, जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसमें खासकर समाज की बेटियों को आगे बढ़ाने, हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, या फिर ये खेल का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ाने के लिए सरकार भी तत्पर है और सभी अभिभावक भी साथ दे रहे हैं। इसलिए अब बेटियों को कहीं से भी, सिर्फ एक जेंडर डिफरेंस करके हम अब ये नहीं कह सकते हैं कि बेटियां किसी से कम है या ज़्यादा है। अब बेटियों की तुलना सिर्फ जेंडर बेस पे नहीं की जा सकती है, क्योंकि बेटियां बेटियां हैं, वो अपना परफॉर्मेंस अपना करती हैं और लड़के अपना अपना करते हैं। जहानाबाद में एक अलग प्रचलन है कि यहाँ नक्सलवाद है, यहाँ का इलाका जो है नक्सलवाद से प्रभावित है, ऐसे में झारखंड से जो खिलाड़ी आए हुए थे और आप देख रहे थे, क्या लगा, कुछ महसूस हो रहा था खेल के बीच में? नहीं, देखिए, नक्सलवाद का है, पर हमारी सरकार जब से आई है तब से ये जो सांगठनिक अपराध जो है वो तो लगभग खत्म हुआ है। और ये आत्मविश्वासी समझिए बेटियों का कि इस तरह के क्षेत्र का जो सभी तरफ नाम है, ऐसा कुछ है नहीं, नेक्स्ट लाइट ये आदमी ही होते हैं, अगर उनके बच्चे घर से निकल कर पढ़ने लगे तो समझिए कि ये मानसिकता भी उनकी दूर हो जाती है, और जो आम व्यक्ति हैं वो भी सुरक्षित महसूस करते हैं। इसलिए ऐसा लगा कि ऐसा कोई नक्सलवाद का कोई वैसा असर नहीं है और ये धीरे धीरे दूर हो रहा है। इस खेल से अलग हट के ये कि आपके इस बार सरकार बनने के बाद लगातार क्राइम रेट बढ़ रहा है, हर रोज कहीं ना कहीं हत्या हो जा रही है, आज भी बाढ़ में एक सब इंस्पेक्टर को गोली मार दी गई है, क्या लगता है मजबूरी की सरकार है और मजबूर मुख्यमंत्री है बिहार में? नहीं, ये सवाल ही नहीं उठता है कि मजबूरी की सरकार है, अपराध होते हैं, अपराध सभी जगह होते हैं। हमारी सरकार की यही विशेषता है कि अपराधियों को छोड़ा नहीं जाता है, अपराधी कहीं भी रहें, पाताल लोक में भी रहें, हमारी पुलिस तत्पर रहती है और अपराधियों को जहां से हो वहां से निकाल कर लाती है और कानून उन्हें सजा देती है। जीरो टॉलरेंस। विपक्ष का कहना है मैम कि अब जब पुलिस सुरक्षित नहीं है तो आम आवाम कैसे सुरक्षित रहेंगे? देखिए, पुलिस भी एक व्यक्ति ही है,
हत्या किसी भी कारण से हो सकता है, इसलिए यहाँ पर पुलिस और किसी क्रिमिनल में, हत्या क्रिमिनल की भी हो सकती है, हत्या पुलिस की भी हो सकती है, लेकिन महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि हमारी सरकार में जो एक सिस्टम है, जो कानून का सिस्टम है, वो सही है कि नहीं, वो सही तरह से काम कर रही है कि नहीं। तो इससे जनता बिल्कुल आश्वस्त है कि हमारी सरकार में ऐसा नहीं हो सकता है कि अपराधी अपराध करके चला जाए और कानून और पुलिस उस पर ध्यान नहीं दे और हमारी सरकार उसका संज्ञान न ले।